वाटर को लेकर भी जो प्रदेश सरकार का वो है उसको, वो भी दोनों ये केंद्र और राज्य सरकार के दोनों अभियान एक साथ ही चलेंगे या कुछ इसमें राइट टू वाटर के भी डिटेल गाइडलाइंस में ड्राफ्ट होना बाकी है, जैसे ही गाइडलाइंस ड्राफ्ट लाइट हो गई बड़ी खबर दे, सूची कहाँ है सवालों की, ये सब रखते एक एक सवाल पूछेंगे तो लग जाएगा। आपने कहा कि चार विधायक आपके संपर्क में है, कब उन्हें आप पेश करेंगे? समय आने पे हम चार विधायकों को पेश करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब कहेंगे तब उनको पेश करेंगे, वो हमारे संपर्क में है और उनकी भी जिज्ञासा है कि हम सरकार में शामिल। किस तरीके उन्होंने इच्छा प्रकट की है अब ये सब हम डिटेल्स नहीं बता पाएंगे, समय पे बताएंगे, समय आएगा तब जरूर बताएंगे। बाबा जी इतने बजे कौन से क्षेत्र से हैं? नहीं ये भी हम नहीं बता पाएंगे, मध्य प्रदेश के। बाबा जी चार विधायकों की नाराजगी बता सकते हैं, क्या नाराजगी चल रही है बीजेपी से? हमारे जैसे नाराज रहे एक साधु संत जब नाराज हो गए तो बताइए विधायक कौन है, और अभी आप सुन तो रहे हैं दो विधायक जो कल आए वो उनकी नाराजगी आपने सुन लिया, उसमें भी वो भी बताएंगे, चार जो आएंगे वो भी बताएंगे। उसमें भूमिका है कि आपकी जो कल दो विधायकों ने क्रॉस, नहीं मेरी तो भूमिका रहेगी जो आने वाले हैं, अच्छा। जो आने वाले हैं उस पर जरूर। तो एक समय थोड़ा सा बता सकते हैं? समय का इंतजार करिए, एक महीना दो समय का इंतजार करिए, लगभग कितना समय का इंतजार कर। बाबा जी एक ये था कि आप लगातार दौरे करते हैं, नदियों को लेकर काम कर रहे हैं, आपने हेलीकॉप्टर के लिए कहा था, आपने मंत्रालय में कमरा भी मांगा है, कितनी असुविधा हो रही है आपको ये सब काम? मुझे हेलीकॉप्टर में मिलेगा, और चूंकि वहाँ एक कार्यालय जरूरी है तो कार्यालय भी वो तो बनना ही है, तो चूंकि बल्लभ भवन में कार्यालय का इसलिए कहा था कि बल्लभ भवन में कार्यालय के कारण हमारी व्यवस्थाएं हमारे काम हो सकेंगे, वो हमें समय पर मिलेंगे भी कोई ऐसा नहीं है, पर मैं काम को ज़्यादा महत्व देता हूँ। जिस ढंग से नर्मदा को पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शिवराज जी बेच के खा गए, अभी हम लगातार दौड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा यदि अवैध खनन का मामला हमने देखा है तो रेत का अवैध खनन केवल शिवराज के विधानसभा में ही ज़्यादा है, हमने कई ट्राली भी पकड़ी हैं, ट्रैक्टर भी पकड़े हैं, और लगातार हमारा दौरा इसीलिए हो रहा है कि वहाँ हमने देखा बड़े स्तर से, तो मुझे लगता है कि शिवराज सरकार में जिस ढंग से बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था इस मामले में, रेत के मामले में जहाँ हर जगह रेत माफिया बैठे थे, तो अब रेत अवैध खनन कम करने में हमें समय तो लगेगा, पर माननीय मुख्यमंत्री की जो मंशा है हमारे कमलनाथ जी की वो पूर्ण होगी, और आने वाले समय में जो है पूर्ण रूप से अवैध खनन खत्म हो जाएगा।